कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट पे शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के लेक्चर में आर्टिकल 13 जो हम पढ़ रहे थे, उस आर्टिकल 13 से जो कई कहानियां बनी हैं, उन कहानियों को देखने की कोशिश करेंगे। और कहानियों के साथ में कुछ कंसेप्ट आए हमारे आर्टिकल 13-4 में, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ में, तो कुछ कहानियां बनी और कुछ कहानियों के ऊपर कई सारे प्रश्न पूछे गए। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 में 13-4 भी बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 13-4 जो है उसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 13-1 में क्या कहा गया है, 13-2 में क्या कहा गया है, 13-3 में क्या कहा गया है। यदि आपको नहीं समझ में आता 13-1, तो आप 13-1 की जगह 13-क बोलो, 13-ख बोलो, 13-ग बोलो और 13-घ बोलो। आप जैसे बोलना चाहते हो वैसा बोलिए, ABCD लगा के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होती। बस आपको उसके अंदर का जो मटेरियल था, कंसेप्ट था, वो यदि समझ में आया है तो कहीं ना कहीं आपको आगे बातें भी समझ में आती रहेंगी। तो आज हमें अनुच्छेद 13-4 को पढ़ना है। ये 13-4 कैसे आया? ये 13-4 आया 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ, इंदिरा गांधी के समय में 1971 में किया गया। अब 13-4 क्यों आया? क्योंकि 13-3 के अंतर्गत विधि की परिभाषा बोली गई थी। बेटा, किसकी परिभाषा बोली गई थी? विधि की परिभाषा। और विधि की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है, इस बात का निर्धारण किया गया था। तो हमने देखा था संसद के द्वारा बनाया गया कानून, विधानसभा के द्वारा बनाया गया कानून, कोई आदेश, विभागों के द्वारा, सामाजिक कानून, पंचायतों या स्थानीय निकाय के द्वारा पारित किया गया कानून, ये सब जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? कानून के अंतर्गत आते हैं। तो एक प्रश्न पूछा गया कि क्या 368 भी इसमें आता है? क्योंकि अगर 368 13-3 के अंतर्गत आ जाएगा तो मतलब 368 का प्रयोग संविधान संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 368 भाग जो 20 में है उसमें कहा गया कि संविधान संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 होगा। और ये बातें B.R. अंबेडकर के द्वारा कही गई थी कि भैया, मैं भारतीय संविधान पर अंतिम मोहर नहीं लगाना चाहता हूं। समय और परिस्थिति के अनुसार कानूनों की प्रासंगिकता बनी रहती है और प्रासंगिकता समाप्त होती है, और इसीलिए मैंने आर्टिकल 368 रखा है, ताकि उसका प्रयोग करके संविधान में जो जो बातें कहीं ना कहीं निरर्थक होते चले उसका संशोधन करते जाए। तो प्रश्न ये उठा कि आर्टिकल 368 विधि के अंतर्गत आता है कि नहीं। तो इस बात को लेकर हमेशा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाते रहा। तो सुप्रीम कोर्ट जा गया तो सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद में समय और परिस्थिति के अनुसार हमेशा सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट जो रहे वो परिवर्तित होते रहे। तो हमें अब क्या करना है, आर्टिकल 368 को समझ लेते हैं, फिर बात आगे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी जगह पर इसका प्रयोग हमें करना पड़ता है। तो हम बाद में जो पढ़ेंगे तो वहां तो देखेंगे देखेंगे, पर इस बार ब्रीफली देख लेते हैं आर्टिकल 368 क्या है। उसके बाद में हम 13-4 जो 1971 में आया, उसके पहले कई सारे ऐसे जजमेंट आए थे जिसमें हमें दिखाई दे रहा था कि भैया, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13-3 के अंतर्गत 368 नहीं आता है, और किसी जजमेंट में कहा 13-3 के अंतर्गत 368 आता है, मतलब संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकारों को कम कम नहीं किया जा सकता 368 के तहत, कि कई सारे जजमेंटों में। और उसी जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए, समाप्त करने के लिए, उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसमें 13-3 को की जगह पर 13-4 को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं आता है। इस बात को हमें समझना है। अब इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें 13-4 तो पढ़ना ही पढ़ना है, 13-4 पढ़कर समझना ही है, परंतु उसके पहले आर्टिकल 368 को समझ लेते हैं।
आर्टिकल 368 जो है ये भाग 20 में दिया हुआ है, और इसके अंतर्गत कहा गया है कि किस प्रकार से हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब यहां पर आता है संशोधन संविधान में, तो जो संशोधन होते हैं बेटा वो तीन प्रकार के होते हैं। एक रहता है साधारण, एक रहता है संविधान से संबंधित संशोधन, संविधान से संबंधित संशोधन जो संघीय प्रकृति का नहीं है, मतलब ऐसे अनुच्छेद में परिवर्तन करना जो संघीय प्रकृति का नहीं है उसमें, वो संविधान के अनुच्छेद में संशोधन। और एक रहता है संविधान में संशोधन जो संघीय प्रकृति का हो, जो संघीय प्रकृति का हो। तो ये तीन प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं। साधारण प्रकार का जो संविधान संशोधन होता है इसे साधारण बहुमत से पास किया जाता है। साधारण बहुमत से पास किया जाता है मतलब जितने सदस्य हैं उसका आधा जो रहेगा वो अगर निकल कर आ जाते तो पास माना जाता है। संविधान से संबंधित कोई संशोधन जो संघीय प्रकृति का नहीं हो, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से प्रस्ताव को पारित करना पड़ता है, और दोनों को प्रस्ताव को कुल बहुमत से और उपस्थित सदस्य का 2/3 दोनों सदनों से अलग अलग पास करना पड़ेगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। दोनों सदनों से जब अलग अलग पास होगा तब जाके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है। साधारण बहुमत में यदि कोई विधेयक एक सदन में पास हुआ दूसरे सदन में पास नहीं हो पाता है तो एक आर्टिकल दिया है, आर्टिकल 108 जिसे कहा गया है ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। तो उस बैठक में हम उस विधेयक को रख कर उस विधेयक के लिए हम चर्चा करके हम क्या कर सकते हैं, उस विधेयक को भी पारित करवा सकते हैं जब दोनों सदन में मनमुटाव हो। ऐसा 3 बार किया जा चुका है, एक प्रमुख रूप से किया गया था बेटा दहेज प्रथा से संबंधित 1961 के लिए, दूसरा राष्ट्रीयकरण के संबंध में, और पॉस्को एक्ट था 2002 का उसके लिए किया गया। 3 बार हमारी ज्वाइंट सिटिंग हुई। अब ये जो संविधान में संशोधन जो संघीय प्रकृति का नहीं है उसके लिए ये प्रावधान, दोनों में अंतर समझ में आ गया, एक जगह साधारण बहुमत एक जगह विशेष बहुमत। अब ऐसा संविधान संशोधन जो संविधान संशोधन तो है परंतु संघीय प्रकृति में अगर कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में जरूरी हो जाता है कि आप लोकसभा से भी विशेष बहुमत से पारित कराइए, राज्यसभा से भी विशेष बहुमत से पार कराइए। राष्ट्रपति के पास अभी नहीं जाएगा, उसके पहले आपके जितने राज्य हैं उसके आधे राज्यों से आपका इस संबंधित कानून जो आपने लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया उसकी स्वीकृति साधारण बहुमत से हो जाना चाहिए, और जब हो जाएगा तब राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद में वो संविधान संशोधन माना जाता है। कुछ बातें यहां पर अमेरिका से ली, पर अमेरिका जैसी नहीं है, इसलिए हमारा जो संविधान है वो कठोर और लचीले के बीच में अच्छा समन्वय है। ब्रिटेन में ये संशोधन जो है हर संशोधन साधारण रूप में किया जाता है, अमेरिका में कोई भी संशोधन हो वहां पर जो जो भी संशोधन करना पड़ता है उसे इस तीसरे प्रोसेस से पारित होना पड़ता है, परंतु उसमें भी समय सीमा है।
वहां पर अपर हाउस लोअर हाउस से पारित हो जाने के बाद में जो राज्य रहते हैं वो दो तिहाई ये आधे की जगह पर तीन चौथाई राज्य, और समय सीमा भी है 7 वर्षों के भीतर भीतर संबंधित कानून को सभी राज्यों से आपको स्वीकृति लेना जरूरी है। मतलब अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना एक टेढ़ी खीर है, पर भारत एक इसका अच्छा नमूना है कि भैया वो साधारण बातों के लिए साधारण रूप में चलता है और कठिन और महत्वपूर्ण बातों के लिए वो कठिन रूप में चलता है। इस प्रकार से हमारे संविधान संशोधन होते हैं। अब जब संविधान संशोधन किया जाता है तो उसकी प्रोसेस रहती है। अब वो प्रोसेस क्या रहती है? प्रोसेस ये रहती है कि जब संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव रहता है उस प्रस्ताव को कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य है, चाहे मंत्री हो चाहे साधारण या गैर मंत्री या गैर सरकारी व्यक्ति, तो वो भी व्यक्ति प्रस्ताव को रख सकता है, लोकसभा में भी रख सकता है, राज्यसभा में भी रख सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात है, मैंने कहा गैर सरकारी व्यक्ति। गैर सरकारी व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति जो मंत्री नहीं है, अर्थात सदन का सदस्य तो है परंतु वो मंत्री नहीं है। सरकारी व्यक्ति उसे माना जाता है, सरकार उसे माना जाता है जो मंत्रियों मंडल में शामिल रहता है, यह बात रखिए। तो कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव को रख सकता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में। लोकसभा में रखने के बाद में लोकसभा में चर्चा होती है, चर्चा हो जाने के बाद में वहां पर मतदान होता है, मतदान हो जाने के बाद में वहां पर दो तिहाई बहुमत से पारित करना पड़ता है। इसी के बाद में राज्यसभा जाता है, राज्यसभा में भी अलग रूप से यहाँ पर भी चर्चा होती है दो तिहाई बहुमत से, या कुल उपस्थित सदस्य का दो तिहाई और कुल सदस्य का आधा बहुमत पारित करने के बाद में अब आगे पहुंचा जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है। आप यहाँ पर कई सारे प्रश्न रहेंगे, वहां पर हम 1900 जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर और सारी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यह है आर्टिकल 368 के बारे में। 368 के बारे में इतनी बातें बोली गई है परंतु कई सारी बातों को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गया था, फिर बाद में उसे हटा भी दिया गया। तो यह है 368 का बिहेवियर कि वो किस प्रकार से कार्य करता है। पर 368 के विषय में बातें करने से पहले हमें आपको थोड़ा सा प्राचीन में लेकर चलते हैं। प्राचीन का मतलब है 1947 से पहले, और 1947 के पहले की अगर हम बात करें तो गांधी के आने के बाद में और तिलक साहब के पहले, तिलक साहब के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसे जन आंदोलन में बदलने की कोशिश की। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया, कई सारे ऐसे किसान आंदोलन रहे जिसको समर्थन तिलक साहब के द्वारा दिए गए। पर 1907 में उनकी जब गिरफ्तारी हो गई तो उसके बाद में उनका ये जो कार्य रहा वो अधूरा रह गया। 1915 के बाद गांधी युग की शुरुआत हुई, और गांधी युग की जब शुरुआत हुई तो गांधी ने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से कई सारे किसान आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का काम किया, जैसे चंपारण, खेड़ा, बारदोली, जो आगे चलकर आपको तेलंगाना, तेनभागा, जितने भी आंदोलन दिखे देंगे उनको रचनात्मक कार्यों से किसका आंदोलन में जोड़ने की कोशिश की? राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने की कोशिश की। और हमेशा ये कहा कि भैया आपकी हालत जो है वो अंग्रेजों की कुछ आर्थिक गलत नीतियों के कारण है, भारत आजाद होगा तो किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। और ये बात कहकर हमेशा किसानों से कहीं ना कहीं भागीदारी लेने की कोशिश की आंदोलन में। पर जैसे ही भारत के संविधान के निर्माण की बात शुरू हुई तो निर्माण की बात शुरू हो जाने के बाद में हमारे द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए, वो फंडामेंटल जो राइट्स थे उसमें 7 राइट्स में से एक राइट्स था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति के अधिकार को 2 भागों में रखा गया, 19(1) के च और आर्टिकल 31। 19(1) का च संपत्ति के अधिकार के बारे में बताता है, और फिर बाद में 19(1) के च के बाद में जो 31 है वो बताता है कि कहां तक के हम संपत्ति के अधिकार को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, किस किस कंडीशनों में। ये बात 19 ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी। अब ये बात आ रही थी कि भैया भारत में जो कृषक आंदोलन था उसको किसानों को कहीं ना कहीं वचन देकर रखा था कांग्रेस ने,
और जब वचन देकर रखा था तो मतलब कांग्रेस के लिए जरूरी हो चुका था कि भैया जो जमींदार प्रथा थी उसका समापन किया जाए और समतामूलक जो भूमि है उसका बंटवारा किया जाए। एक के पास में 1,000 एकड़ है, एक के पास में 5 एकड़ जमीन है, और 5 एकड़ जमीन पर 50 लोगों का अधिकार है और 1,000 एकड़ पर एक ही व्यक्ति का अधिकार है। तो मतलब जो भूमि का वितरण था वो ठीक ठाक नहीं था। तो मतलब लगातार अब किस सरकार पर दबाव था आजादी के बाद में कि हम इस भूमि का वितरण करें। अब भूमि का वितरण करेंगे तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा 19(1) का च मतलब मेरे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और जब संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो मतलब वो व्यक्ति हमेशा आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जाएगा बेटा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इस सुप्रीम कोर्ट में ना जाए कोई मामला, इस बात को ध्यान में रखकर सरकार के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये कहा गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, और इसमें कई सारी बातों को जोड़ा गया जिसमें से दो बात प्रमुख थी। उसमें पहली बात ये थी कि 9th शेड्यूल को या 9th अनुसूची को, जो मूल रूप से 8 थी, 9वीं अनुसूची जुड़ी बेटा पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ, और फिर बाद में आर्टिकल 31 का क भी जोड़ा गया। आर्टिकल 31 का क क्या कहता है, 9th शेड्यूल क्या कहता है, वो बातों को आप थोड़ा समझ लें। 9th शेड्यूल कहता है कि सरकार के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, सरकार के द्वारा कोई भी बनाया गया कानून यदि 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो 9th शेड्यूल में डालने के बाद में उसका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकता, जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकता, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता कि भैया वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और 31 क में कहा गया कि हम किस किस आधारों पर संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं, तो संपत्ति का अधिग्रहण करने के बाद में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सीधे लफ्जों में कहूं कि 31 का कुछ ही बातों को लेकर था, परंतु 9th शेड्यूल प्राय भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून बनाए जाते थे उनके लिए बनाए गए, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल था 9th शेड्यूल का 31 क की तुलना में ज्यादा था। और ये जब मामला, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद में शंकरी प्रसाद नामक एक व्यक्ति था, प्रसाद नामक व्यक्ति था, वो उसी समय में 1951 में पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। और 1941 में जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 जजों की बेंच के द्वारा, कितने जजों की बेंच के द्वारा, 5 जजों की बेंच के द्वारा कहा गया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सही है, और 13(3) के अंतर्गत 368 नहीं आता है। ये कब कहा गया, शंकरी प्रसाद का मामला 1951 में। तो 13(3) के अंतर्गत 368 नहीं आता, मतलब गोला 13(3) है तो मतलब 368 उस गोले के बाहर है। अब इसी के बाद में काम अच्छा चल रहा था, धीरे 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 सरकार रन हो रही थी, और सरकार रन हो रही थी तो उसी के बाद में 1964 में, 1964 में सरकार के द्वारा पुनः 17वां संविधान संशोधन किया गया, और कुछ भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को 9th शेड्यूल में डाला गया। किसमें डाला गया, 9th शेड्यूल में डाला गया, 9वीं अनुसूची में डाला गया। और जब 9वीं अनुसूची में डाला गया तो 9वीं अनुसूची में डालने के बाद साथ में ये बात भी कही गई कि भैया व्यक्ति के लिए एक शब्द रहता है रकम, एक रहता है क्षतिपूर्ति। रकम की जगह, क्षतिपूर्ति की जगह पर रकम शब्द देने की बात की गई। मतलब ये था कि भैया अगर क्षतिपूर्ति करना, अगर किसी की भूमि को लिया जाता है सरकार के द्वारा तो भैया क्षतिपूर्ति मतलब पूरा का पूरा पैसा दो, जितना मार्केट वैल्यू था उतना पैसा दो। तो उसकी जगह पर एक शब्द जोड़ दिया रकम। ये दो अमेंडमेंट किए गए, और दो अमेंडमेंट करने के कारण क्षतिपूर्ति की जगह पर रकम देने की बात की गई। और रकम कौन निर्धारित करेगा, सरकार। ये कब
जब संपत्ति का अधिग्रहण सरकार के द्वारा सरकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है, सरकार के द्वारा सरकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है। अब इसी मामले में, ये हुआ 1964 में, पर इसी मामले में 1967 में, 1967 में एक व्यक्ति गोलकनाथ थे, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उनकी भूमि का कोई मामला था, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले जजमेंट दिया था, 5 जजों की बेंच ने, यहां पर बैठी 11 जजों की बेंच। कितने जजों की बेंच बैठी? 11 जजों की। ये बात याद रखिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णय को यदि प्रभावहीन बनाना है तो पूर्व की जजों की बेंचों की संख्या से बराबर या अधिक जजों की संख्या को बिठाना पड़ेगा, तभी वो निर्णय क्या हो सकता है, बदल सकता है, चेंज हो सकता है। आया समझ में? तो भैया यहाँ पर 11 जजों की बेंच बैठी, और 11 जजों की बेंच ने 5-6 के बहुमत से ये कहा कि भैया आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत 368 आता है, और ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स अपरिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जब परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो मतलब 19(1) का च और 31 में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब सरकार के भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून रहेंगे वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जो भी कार्य रहेंगे वो प्रगति पर नहीं पहुंच पाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार, क्योंकि जब ये अमेंडमेंट हुआ तो उस समय में सरकार लाल बहादुर शास्त्री साहब आ चुके थे, और जब ये केस आया तो उस समय में इंदिरा गांधी सरकार में थी, और इंदिरा गांधी उस समय फुल मेजोरिटी में नहीं थी, क्योंकि जो मोरारजी देसाई साहब थे वो मोरारजी देसाई साहब अलग सरकार बना चुके थे, वो अलग पार्टी बना चुके थे, और इसके कारण यहाँ पर अल्प मत में थी, किसी के समर्थन के, किसके समर्थन के कारण? समाजवादी पार्टियां जो थी, जो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट पार्टी थी, उनके समर्थन के कारण, इसलिए इस समय में वो मेजोरिटी में नहीं थी, इसलिए समय बातों को मान गई। और मानने के साथ में अब मैं इसी के आगे लिख दे रहा हूं कि भैया यहां पर क्या है, गोला गोले के अंदर, मतलब 13(3) के अंतर्गत कौन है, 368। इसी के बाद में चुनाव हुए, और चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, फुल मेजोरिटी के साथ इंदिरा गांधी आई, और इंदिरा गांधी के द्वारा लगातार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए, लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, जिसमें हमें केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखना है, वह 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये बात कह दी गई कि भैया 368 जो है वो 13(3) के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात 368 का प्रयोग करके फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन किया जा सकता है। ये बात 1971 की है, और ये बात कहने के लिए उन्होंने 13(3) के बाद में 13(4) को जोड़ा, यहां पर पैदा हुआ 13(3) के बाद 13(4). अब कुछ मामला था फिर से भूमि से संबंधित, और भूमि से संबंधित मामला होने के कारण 1973 में 13 जजों की बेंच ने जो केस लेकर व्यक्ति पहुंचा था उसका नाम था केशवानंद भारती, और ये पहुंचा था केरल सरकार बनाम मामला था। अब ये केस पहुंचा तो केस पहुंचने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केवल उस केस को नहीं देखा, बल्कि उन सब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी देखा जो कहीं ना कहीं भूमि से ताल्लुकात रखता था। तो यहाँ पर 13 जजों की बेंच बैठी, 13 जजों की बेंच बैठने का कारण ये था क्योंकि इसके पूर्व के केस में 11 जजों की बेंच बैठी थी, अगर 11 जजों की बेंच के निर्णय को प्रभावहीन बनाना है तो 11 जजों की बेंच बिठाना पड़ेगा, या उससे ज्यादा जजों की बेंच बिठाना पड़ेगा। और इस बात को ध्यान में रखकर 13 जजों की बेंच बैठी, और 13 जजों की बेंच के द्वारा एक निर्णय दिया गया, और निर्णय में कहा गया कि भैया, और ये निर्णय जो रहा वो 7-6 के बहुमत से रहा, मतलब 7 लोग विपक्ष में थे, 6 लोग नहीं थे, और इस बहुमत से कहा गया कि भैया 368 जो है, 368 जो है वो 13(3) के अंतर्गत नहीं आता है बल्कि अलग है, अर्थात जो 13(4) जोड़ा गया वो राइट है, वो राइट है, परंतु जो संसद है उसे मौलिक अधिकार में या संविधान संशोधन करने की हम आजादी देते हैं 368 के तहत, पर उसे संविधान सभा की तरह
संविधान में परिवर्तन करने की आजादी नहीं है, अर्थात उसे बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने की आजादी नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा पहली बार केशवानंद भारती में केस में। अब वहां पर वकील ने पूछा थे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो उन्होंने कोर्ट ने कह दिया हम समय समय पर आने पर बताएंगे। अब यहां तक के मामला अगर आपको समझ में आ गया, तो यहां पर अब ये पता चल गया कि 13(3) के अंतर्गत 368 नहीं है। यही मामला अभी भी चल रहा है, पर आगे क्या हुआ, आगे थोड़ी सी और बातें ध्यान लो। इंदिरा गांधी इतने में ही चूक थोड़ी होने वाली थी। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पहली को सुलझाया नहीं और फंसाने की बात आ गई, तो इंदिरा गांधी के द्वारा 38वें संविधान संशोधन, 39वें संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के नक्शे को ही बदलने की कोशिश की। और ये सब हुआ 25 जून के बाद, 1975 के बाद, मतलब इमरजेंसी लागू हो जाने के बाद। और जब ये सब बातें हुई, तो बातें हो जाने के बाद में कुछ जो पूर्व के अमेंडमेंट थे, जब इंदिरा गांधी सरकार हटी और मोरारजी देसाई की सरकार आई या जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने पूर्व के जितने भी अमेंडमेंट थे उनको धीरे 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 लेने की बात की, मतलब वापस लेने की बात की। पर इसी समय में एक केस आ गया 1980 में, और 1980 में मैं जो केस आया उसे कहा गया मिनर्वा मिल्स का मामला। और ये मिनर्वा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीधे सीधे कह दिया जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खुद अपने आप में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो भी अपरिवर्तनीय है, मतलब आप ये सोचोगे कि मैं बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा को हटा दूं, तो आप ये बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा को भी हटा नहीं सकते, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको भी परिवर्तित नहीं कर सकते। ये मिनर्वा मिल्स के मामले में था, और इसमें कई सारी बातों को, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, जैसे कि संप्रभुता, एकता, अखंडता, विविधता जैसे जो शब्द थे, इनको बेसिक अवधारणा के रूप में उस समय में सुप्रीम कोर्ट ने रखा। और इसके बाद में एक वामन राव का के मामला आया 1981 में, और इस वामन राव मामले में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की बातों को फिर से दोहराया। तो मतलब कहना ये था कि 13 जो 4 है, 13(4) अर्थात 13(घ) जो आया, वो आया 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ में, परंतु हमें ये भी पता चल गया कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर की जो अवधारणा है वो केशवानंद भारती केस में आई, और उसके बाद में प्रमुख रूप से लागू हुई मिनर्वा मिल्स मामले में। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का, वामन राव का मामला 1981 का। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। और इसी में जो मिनर्वा मिल्स मामला, वामन राव मामला, इसमें एक शब्द और जोड़ा गया था, जुडिशियली रिव्यू करने का। जुडिशियली रिव्यू मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन का। ये कहा गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति नहीं है। ये किसने कहा? सरकार की तरफ से। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। आप ये नहीं कहोगे कि भैया आप न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकते, अगर न्यायिक पुनर्विलोकन में नहीं कर पाऊं करने दूंगे तो भैया आर्टिकल 14 से लेकर जो 32 तक के मौलिक अधिकार दिए हैं भैया उसको आप छीन लोगे, उसे कम कर लोगे आर्टिकल 368 का प्रयोग करके। कितना किया जाए प्रयोग, कितना नहीं किया जाए, इसके बारे में थर्ड पार्टी तो होना चाहिए, क्योंकि भैया शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को हम लागू कर रहे हैं ताकि निरंकुशता नहीं है। इस निरंकुशता को रोकने के लिए तो भैया सुप्रीम कोर्ट के पास में जुडिशियली रिव्यू होना चाहिए, उसकी शक्ति होना चाहिए, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जुडिशियली रिव्यू करने की जो शक्ति है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब आज के समय में 368 का प्रयोग करके आर्टिकल 13(3) को हम हटा नहीं सकते। 13(3) को नहीं हटा सकते क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। तो ये बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर भी समझ में आया और 13(4) किस प्रकार से आया वो भी समझ में आया। अब ये बातें जब समझ में आ गई है तो भैया बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी आपको थोड़ी बहुत पता चल गया कि भैया जो मूलभूत बातें हैं, जो संविधान के उद्देश्य लिए हुए, वो बेसिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं। यहां तक कि अगर आपको मामला समझ में आ गया तो मेरा सीधा सा प्रश्न है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो विकास क्रम रहा उस विकास क्रम को आप समझाइए।
बस एक प्रश्न है, 1951 से लेकर 1980 तक का जो बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा रही, उस अवधारणा को आप समझाने की कोशिश करिए और लिखने की कोशिश करिए कि कौन कौन सा मामला था और कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थे, जजों की संख्या, ये सब बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए ताकि आपका प्रभाव लेखन शैली पर इसके माध्यम से बढ़े। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू।